देवी समाज को प्रणाम करता हूँ। मैं जान गया हूँ ना धीरे धीरे, अभी जान रहा हूँ धीरे धीरे कहाँ पे क्या दबाना है, कहाँ पे जाना है, मैं सब कुछ धीरे धीरे जान रहा हूँ। गाइस फिर से स्वागत है एक नया वीडियो पे। आज हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए किसको? कुरैशी सर को। हाँ, जो एक कॉमेडियन है और मेरा वीडियो देखता है, मुझे फॉलो करते और मुझे बुला रहा है SMS करके। दिखा रहा है SMS कि मुझे बुला रहा है। अभी बहुत नीचे है, मैं बाद में दिखाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। अब अपने फ्लैट से हम उतर चुके हैं। हाँ, अंधेरी अंधेरी वेस्ट में उनका घर है और घर पे वो डिनर के लिए बुला रहे हैं। सॉरी सॉरी, लंच के लिए बुला रहे हैं। अंधेरी वेस्ट पे और हम लोगों को लंच के लिए बुला रहा है। वो बोला कि मेरा बहुत बड़ा फैन है और मेरा वीडियो बहुत देखता है। बोला जितने भी सेलिब्रिटीज मिला है अभी तक सभी लोग बोला है कि मेरा वीडियो देखता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एहसान कुरैशी जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो गाइस जा रहा हूँ, अभी उबेर पकड़ लिया, अभी हम लोग ऑटो बुक किए हैं, उबेर ना ऑटो, वही ओला ओला ओ ओला 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 कितना भाग रहा है, भाग रहा है यहाँ। भाई रास्ता इधर आओ, ये देखो यहाँ क्या कर रहा है। अभी हमने बुक किया है, अभी आएगा ऑटो वाला। अभी रुक रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी सिंपल, मुंबई पे बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। हम लोग वहाँ का तरह नहीं है, गाड़ी रुकते रहो, रुक दो रुका दो, गाड़ी जैसा नहीं है। यहाँ पे एक कॉल मारो, एक भाई आजा यहाँ पे, एड्रेस है भेजा, एड्रेस लोकेशन सेंड करो, बस आजा भाई, गाड़ी अपने आप आ जाएगा। रुक रहे हैं अभी गाड़ी के लिए, आ रहा है। हम लोग रह रहे हैं ये वाला बिल्डिंग पे, सबसे लंबा ये वाला फ्लोर पे हम लोग रह रहे हैं। कहाँ का लोकेशन है आपका? देखिए हम बाहर निकले थे, वो देखो बिल्डिंग से बाहर, यहीं से यही रास्ता है। अरे भैया आपने तो पूरा रोकड़ा दिया, आप यहाँ का लोकल हो के आपको यहाँ का जगह नहीं पता है क्या? हाँ ये देखिए ना आप, लोकेशन अभी 500 मीटर आगे बता रहे। चलो कोई बात नहीं, चलो भैया अभी चलते है। चलो भैया निकलो फटाफट, कोट दीजिए, ले लीजिए कोट, कोट लीजिए। हेलो गाइस, फाइनली हम लोग अभी बैठ गया है यहाँ पे ऑटो पे, बुकिंग कर दिया, कोट भी ले रहे। यहाँ से कितना घंटा लगा? दो घंटा यहाँ से। जाओ यार रगड़ के, इतना अच्छा से मेकअप, इतना अच्छा से पूरा फिट फाट होके आया हूँ। वहाँ पे जाते 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 सब अपना ओरिजिनल सेट में आ जाएगा भैया। उड़ा के चलो दिल्ली मुंबई को पूरा उड़ा के चलो भैया। मास्क टूट गया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मास्क भी टूट गया भाई। पहुंच गए हैं हम लोग, फाइनली उतर चुके हैं और मास्क टूट गया। ये ले तो मेरा ही है। तब पानी पूरी पास में दुकान, यहाँ के यहाँ पे पास में पानी पूरी का दुकान है, तो चलो खाते हैं पानी पूरी। पानी पूरी खाने दो गाइस, हम पहुंच चुके हैं और मोनू तुम्हारा पैंट भीज, मेरा भी भीज गया गंदा से। अंडर कंस्ट्रक्शन। हेलो, नमस्ते। ये कलाकारों का घर और आप भी महान कलाकार हैं, आपका स्वागत है, आ जाइए। थैंक यू सर, चलिए आइए सर। ये चाय पत्ती बगानों से चल रहा है। ये है कुरैशी सर का घर, आप देख सकते हो। भैया देख लो, उपलब्धियां हैं पूरे देश की, आपके असम गुहार जी के भी ले जाएंगे चाय। क्या नाम है आपका? कुंदन। कुंदन, कुंदन सोने में तब के कुंदन बनता है, ये गोल्ड है, गोल्ड के साथ ये कुंदन है, ये मोनू है, पूरा देश जिसको प्यार करता है वो मोनू है जी। और मैं आपका छोटा सा आर्टिस्ट एहसान कुरैशी, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट है, छोटा नहीं है, बहुत ही। देखो गाइस, हम लोग आर्टिस्ट का घर में आए हैं और एक आर्टिस्ट का पहचान दुनिया वाले देते हैं, इतना क्या बोलो यार, पोस्टर वगैरह, अवार्ड वगैरह, हर जगह पे आदमी लोगों को हंसा हंसा के फंसा के ये सब लाए हैं।
इतना भी लोग मोहित हुए है सर का, सर कॉमेडी करते है बहुत ही अच्छा, बहुत सारे फिल्मों में काम भी किए हैं, बहुत सारे रियलिटी शो में भी अटेंड भी किए हैं जी। अरे मेरी एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे तो देखा आपने? देखा, 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 देखा। मोनू जी गजब ढा रहे हो, मोनू जी गजब ढा रहे हो, हमारे बाजू में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हो। कुंदन जी, कुंदन जी आ जाओ, बहुत बढ़िया, देखो ये तीनों हमारे घर में आए हैं। मोनू जी पूरी दुनिया में छा गए। ये वाला डायलॉग सर का, और मेरा हेलो गाइस, मैं मोनू, मैं कहना चाहता हूं कि गाइस मैं सर के घर में आ गया हूं। मोनू जी तो छा गए, अरे सर गाइस मैं यहां इंस्टाग्राम में सबके मन को भा गए, और हमारे बच्चों ने इतने प्यार से बुलाया। सर जो बहुत ही मेहनत करके, एहसान खुड़े से सर बहुत ही मेहनत करके बहुत सारे ट्रॉफी हासिल किए हैं, बहुत सारे नाम कमाए हैं। एक्चुअली यहाँ सर का भी एक चैनल है, वहाँ पे मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है मेन थिंग, और हम लोग ये देख सकते हो थोड़ा देर के बाद अभी इंटरव्यू देने वाला है, सर का चैनल पे अपलोड करेगा। सर मुझे इंटरव्यू लेने वाला है कि मेरा मतलब सब वीडियो सर ने देखा हूँ बोला है, मेरा जितने भी मेरे वीडियो है सब देखा हूँ बोला है। और साथ साथ मुझे सर ने ये भी कहा है कि तेरा पूरा जर्नी मैंने पूरा देखा है, ऊपर से नीचे तक तुम कहाँ से आए हो सब जानता है बोला सर ने। तो यहाँ मोनू का इंटरव्यू होने वाला है, एहसान कुरैशी सर के साथ। हेलो, हाय मोनू, मुस्कुरा दे, वेरी गुड। मुस्कुराता है आज ये जहां। मोनू देवरी तो छा गए, सबके मन को भा गए, वो मेरे बच्चों ने इतने प्यार से बुलाया, ये अरुणाचल प्रदेश से चलकर सीधा ग्रीन रूम पर आ गए। वेलकम वेलकम मोनू, इस शो में आप देख रहे हैं मोनू को, इन्हें पहचान लो बहुत अच्छे से, बहुत जानकार आदमी है, जाना पहचाना है इसको, हमने टिकटॉक में देखा, इंस्टाग्राम में देखा, यूट्यूब में देखा, अरे सोशल मीडिया में हीरो बने हुए हूँ मोनू, और आज आए हैं मोनू हमारे रूम पे, यानी शो का नाम है जिसे आप बड़े प्यार से देख रहे हैं, वेलकम टू ग्रीन रूम। तो ग्रीन रूम में आपका स्वागत है मोनू। सबसे पहला सवाल, इतनी सारी उपलब्धियां हो गई, लोग पहचानने लगे, मुंबई बुला लिए लोगों ने, बॉम्बे आ गए आप, फिल्म कर लिया आपने, डांस कर लिया आपने, कहा दिन बहुत अच्छा, तो भविष्य में क्या करना चाहते हैं आप? भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आपने अभी मेरा पूरा, मेरा जितना भी लिस्ट है ऊपर से नीचे तक, आपने पूरा ऊपर से नीचे तक बता ही दिया है तुझे तक, तो यही मरेंगे तो कैमरा के में, जिएंगे तो कैमरा का आगे। क्या बात है, कैमरा कैमरा जीवन है, कैमरा लाइफ है, कैमरे की तरफ ही देखकर आप बोलते हो, और इतना अच्छा बोलते, इतना मीठा बोलते, कहाँ से सीखा ये? ये किसी से सीखा नहीं हूँ, ये मेरा दर्द का रिश्ता है, मेरा दिल का रिश्ता है, ये मेरा टैलेंट है। देख लो मोनू का टैलेंट, अभी तक लोग मेरे से पूछते थे बालों का क्या राज है, हिलते हैं गिरते नहीं है, बिक तो नहीं है, लेकिन आज मेरे से भी बड़े बाल वाला आ गया है मोनू, जूड़ा तक बंधा है मोनू, क्या राज है, ये बाल असली है या बिग लगा है? नो, ये बिल्कुल ही बिग नहीं है, ये पूरा असली है। हाँ। जो नेचुरली आता है ना, जो नेचर का आता है, उसी को लंबा करके रखा हूँ, काटा नहीं हूँ, अभी तो 2-3 साल के बाद, अभी तो 25-26 में तो शादी कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा ना अपना बीवी बाबा रखने के लिए देगा। अच्छा, तो भाई अभी जिंदगी का उल्लू उतारना चाहिए, खाओ पियो मजा करो, और मजा का मजा उठाओ, मजा करते रहिए, और आप भी मजा लेती रहिए। सोनू से दिल की बात चल रही है, सोनू ये पहली बार शौक कहाँ से लगा कि आप कैमरे के सामने आना चाहिए? मोनू ये शौक कहाँ से आया कि पहली बार कैमरे के सामने? अच्छा, ये अच्छा, मेरे बच्चे दो है ना, एक अच्छा, सोनू है, एक मोनू है, हाँ, तो आप हेलो गाइस, बॉम्बे तो गोवा फिल्म किसने किसने देखा है? अगर आप लोगों ने अगर जिंदगी में अगर वो फिल्म नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, बॉम्बे तो गोवा देखिए, और सर का कॉमेडी देखिए। मैं तो सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इतना बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ,
भाई ये वाला फैन नहीं, मैं उसका दिल का सर का, मैं दिल का मैं फैन हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके सर ने अपना घर में इनवाइट किया। अभी थोड़ा देर के बाद खाना भी होगा, भात भी होगा, खाएंगे पिएंगे और इंटरव्यू भी दे दिया और गाइस बहुत ही अच्छा लगा। और सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मैं, आपने इतने इतने लोगों को हंसा हंसा के सभी को फंसाया, आप लोगों ने आपने इतने आदमी लोगों का दिल जीता, आपका नाम अभी भी मतलब बहुत ही ऊपर में है, तो कुछ बोल दीजिए अपना जर्नी के बारे में और आपने किस किस चैनलों पे नाम तगड़ा किया है। जी मेरे चाहने वाले जो हैं सब मुझे जानते हैं, बॉम्बे टू गोवा फिल्म मिली थी, उसके पहले द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया था, फिर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में लोगों को हंसाया, उसके बाद बिग बॉस में बुलवाया गया, बिग बॉस सीजन 2 जिसे शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया था, बाद में सलमान जी आए, उसके पहले तो शिल्पा जी के साथ किया था बिग बॉस। यस मेरा एक सीरियल आया, हम आपके घर में रहते हैं, सबने देखा उसको, फिर आया एक सीरियल तू मेरा हीरो, तो ऐसे बहुत सारे सीरियल फिल्म किया, एक पहली लीला किया था बड़ी पवित्र लड़की के साथ, हीरोइन का नाम बताऊं? बता दो, बता दीजिए। बहुत पवित्र और संस्कारित लड़की थी उस फिल्म में और उसको सब लोग जानते हैं, एक पहली लीला जरूर देखना, सनी लियोनी थी उसमें हीरोइन। जी मैंने काम किया था। अच्छा अच्छा कह रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या? आदेश अनु और मोनू की जोड़ी है अजीब, एक सजना अमीर साजन गरीब, ये एक गाना हमने देवानंद की फिल्म का सुने थे। अच्छा, अच्छा, लेकिन अब आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा है मोनू, ऑल द वेरी बेस्ट, हंसाते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहना जिंदगी भर। हाँ मालिक ने यहाँ तक पहुँचाया है, इसके आगे और सफर करो और बहुत तरक्की करो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एक कॉमेडी किंग लाखों दिलों को पकड़ के रखा है, आज भी सबका दिलों में धड़क 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 सर का नाम ही उगते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मैं खुश हूँ आज सर ने इनवाइट किया यहाँ में और हम लोगों का मतलब हम लोग का देवरी समाज में भी आपको बहुत देवरी समाज को प्रणाम करता हूँ भैया, आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और हंसते गाते बीते आपके हर घड़ी हर पल, और ये हम लोग का देवरी का समाज की तरफ से आपको नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। दो लाइन सुना रहा हूँ कि हंसते गाते बीते आपका हर घड़ी हर पल, और दिल से यही दुआ करता है शान कुरैशी ओरिजिनल। ये है सर जी का घर, मैं भी अभी सर जी होने वाला हूँ, ट्रेन जैसे लंबा है सर जी का बात ऐसा लंबा है और मैं तो पैट 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 पैट। और ये है आंटी जी। हेलो, आप कैसे हो आंटी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। कितनी अच्छी हो? बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए एक टिप, Okay. आप हमेशा ऐसे ही रहना हंसते हुए सादगी के साथ। अच्छा। आपकी ये सादगी और सरलता ही सबसे अच्छी लगी। थैंक यू आंटी। और सर जी क्या कर रहे हो आप? ये आपके लिए सेब चिप्स खाए हो ना? हाँ। आज मैं सेब के चिप्स खिलाता हूँ आपको। एप्पल चिप्स। ओके, हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में तो एप्पल है बहुत ज्यादा। नहीं एप्पल तो है लेकिन देखो ये चिप्स। ओके ओके, मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉमेडियन हो, मैं भी एक कॉमेडियन हूँ, आप अपना हाथों से मुझे खिलाइए। अरे क्या बात है, आइए खिलाइए, मेरा मुंह बहुत ही बड़ा है। बड़ा है? चाकू मार दूसरे भाई। वाओ वाओ वाओ, आलू चिप्स नहीं है, ये है एप्पल चिप्स। थैंक यू। मौका का चौका मार लो गाइस, दबा लो एप्पल, दबाई लेता हूँ। फाइनली खाना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं मोनू में कहना चाहता हूँ कि गाइस मैं अभी खाना खा रहा हूँ और खाया पिया बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारा रील्स भी बनाया। थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो भाई सर, ब्लू ब्लू आई लव यू। आते रहिए जब मन हो, जब भूख लगे आ जाना, क्योंकि खाना बनाने वाले और खिलाने वाले दोनों खड़े पीछे बिल्कुल तैयार है, आप आ जाइएगा। और गाइस ये सब सर का, ये सब जितने भी है ये सब खून पसीना मेहनत का ये सब कमाई है। एक कॉमेडियन को, एक आर्टिस्ट को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से ही ये सब तोहफे मिले जाते हैं।
वाओ वाओ वाओ, हर जगह पे दीवार पे सिर्फ इस तरफ भी ले लो सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ओनली सर्टिफिकेट। मोनू आजा साइड में, ये इधर है ना मोनू, ओनली सर्टिफिकेट। वाओ, बाय 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 बाय, बहुत अच्छा लगा। ओके बाय बाय सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर, अच्छा लगा मिलके। फाइनली गाइस हम लोग आके पहुंच गए हैं, अभी जाएंगे अपना फ्लैट पे।